हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीलूज होम किचन। चाइनीज खाना तो हम सबको ही बहुत पसंद होता है, तो आज मैं आपके लिए वेज चाउमीन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि आपको बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन की याद दिला देगा, तो इसे आप जरूर ट्राई कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। यहाँ पर मैंने एक पैकेट फैमिली पैक नूडल्स ले लिए हैं, ये आपको ग्रोसरी शॉप पर इजली मिल जाएगा। अब मैंने एक कढ़ाई में पानी बॉईल होने के लिए रखा है, इसमें मैंने एक चम्मच नमक डाल दिया है और एक टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पर ऑयल डाल दिया है। ऑयल डालने से नूडल्स आपस में चिपकेंगे नहीं। अब जब पानी अच्छे से बॉईल होने लगेगा, तब मैंने इसमें ये नूडल्स जो हैं ये थोड़े साइज़ में लंबे होते हैं, इसलिए मैंने इसको 20 से दो भागों में तोड़ करके डाला है, ताकि ये इजीली से कढ़ाई में आ जाएं। तो इस तरह से आपको तोड़ करके नूडल्स को कढ़ाई में डाल देना है। हम सभी नूडल्स को इसमें डाल देंगे और जो है इसको मीडियम फ्लेम पर हमें अच्छे से बॉईल कर लेना है, और बीच बीच में हमें इसको चलाते भी रहना है कि नूडल्स जो है वो नीचे की तरफ चिपके ना। देखिए नूडल्स जो है हमारे 80% जो है वो करीब कुक हो चुके हैं, तो बस हमें इसको इतना ही पकाना है, ज़्यादा हमें इसे बॉईल नहीं करना है। अब हमारे नूडल्स जो है वो अच्छे से उबल चुके हैं, तो हम इसे छान लेते हैं और ठंडे पानी से इसको हमें अच्छी तरह से धो लेना है। एक पैन में 4 टेबल स्पून के करीब हमें तेल लेना है और इसमें हमें 6 से 7 लहसुन की कलियों को महीन जो है काट करके डाल देना है और थोड़ा सा इसको भून लेना है। जब लहसुन हल्के से भून जाएंगे तो इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें भी डाल देंगे और उनको भी अच्छे से हम भून लेंगे। इस समय हमें आंच को जो है मीडियम कर देना है। अब 2 हमने यहाँ स्लाइस किए हुए प्याज को भी डाल दिया है और इसको भी हमें भूनना है, और 2 शिमला मिर्च को जूलियंस में मैंने काट लिया है, इसको भी इसमें डाल करके और जो है इसको थोड़ा भूनना है हमें, और 1/4 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है। हमें बहुत ज़्यादा इसको फ्राई नहीं करना है, और 2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर मैंने इसमें सोया सॉस डाला है। अब मैं इसमें 1 पैकेट मैजिक मसाला डाल रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे और इसमें 1/4 चम्मच हम काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे, इसको हमें अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें 1 चम्मच हमें लाल मिर्च पाउडर डाल देना है, 1/4 चम्मच हमें गरम मसाला पाउडर डालना है और इन सभी मसालों को हमें अच्छे से भून लेना है। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके जो हमने बॉईल करके नूडल्स रखे थे उनको डालना है, और हमें यहाँ पर करीब 3 पैकेट मैजिक मसाला लिया है और इनको 1-1 पैकेट करके हमें डालना है, और यहाँ पर स्वाद अनुसार हम नमक भी डाल देंगे। इसको हमें लेयर्स में डालना है, 1 लेयर हमें नूडल की रखनी है, उसके ऊपर हमें मसाले डालने हैं, फिर उसके बाद हमें नूडल डालना है, उसके बाद फिर से हमें मसाले डाल देने हैं, तो हमें इस तरह लेयरिंग करते हुए नूडल्स को इसमें डालना है। अगर आपको रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। तो देखिए इस तरह से मैंने लेयर में करके नूडल्स डाल दिए हैं। अब इसको मीडियम फ्लेम पर हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये लीजिए हमारी जो चाउमीन है वो अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका डाल देंगे, जो चाइनीज़ फूड में डाला जाता है वाइट विनेगर, इसको हम डाल देंगे और 5 मिनट के लिए अब तेज आंच पर हम इसे भून लेंगे। तो ये लीजिए हमारी टेस्टी वेज चाउमीन बन करके तैयार है। तो रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा। दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आपको मिलती रहें। तो ये लीजिए दोस्तों हमारी वेज चाउमीन बन चुकी है, और इसे आप इंजॉय कीजिए। पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।